हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे दोस्तों। स्वागत है हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की कृपा से मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। और आज सुबह सुबह हमारे यहाँ ना बहुत जोरों की बारिश हुई है, अभी थोड़ा थोड़ा निकली है और अभी भी थोड़ा थोड़ा एकदम फुहारे के जैसे बूंदे गिर रही हैं। और ये देखिए पूरा एकदम फर्श वगैरह भीग चुकी है और बाहर देखो कितनी ग्रीन ग्रीन एकदम ग्रीनरी लग रही है, पूरा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और फुहारा चल रहा है जैसे, तो बहुत मज़ा आ रही है। और हम नहा धो के पूजा वगैरह करके चंदन टीका लगा लिए हैं और अभी बन रहा है हमारे किचन में खाना। एक पे बन रही है करेले की सब्जी और इधर रोटी बन रही है, दाल इधर, चावल इधर बन के रखा हुआ है और बहन जी खाना बना रही हैं। अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं और एक तरफ सूर्य भगवान जी भी निकल रहे हैं, मतलब धूप होगी। और आज हमें उड़द तोड़ने जाना है, तो आई होप कि हमारी उड़द ना ख़राब हो, बारिश ना हो। और खाना वाना खा पी कर हम लोग अभी कर रहे हैं सफाई। बारिश हो या आंधी आए, पानी से साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि धूल धूल हो जाता है और बारिश होती है तो चारों तरफ पानी पानी फैल जाता है। तो बहन जी भी साफ़ कर रही हैं, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं हम लोग, किचन वगैरह भी सारा कुछ साफ़ कर चुके हैं और गंदा हो गया था काफ़ी सारा तो पोछा लगाए। और अभी सारा वर्क करके बैठे ही थे कि मम्मी के हेयर में ऑयल लगाना था क्योंकि मम्मी ने आज हेयर वॉश किया था अपना। तो अभी मम्मी के हेयर में ऑयल लगा रहे हैं और बारिश पूरी तरह से निकल चुकी है और हम लोग जल्दी से तैयारी बना के खेत जाने वाले हैं। काफ़ी तेज़ बारिश होने के बाद अभी निकल गई है और अभी बजने वाले हैं 12 और देखो कितनी कड़ाके की धूप हुई है। और आज हमारे यहाँ बहुत 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 सारा काम है, तो अभी हम दिखाते हैं उस काम में से एक काम क्या है। ये देखो, ये इधर साइड में फैलाई हुई है उड़द, जो कि अभी इसको पीटना है। मतलब अगर बारिश हो जाती कड़ाके की ना तो सारा खेती, मतलब जितनी खेती है वो सारा बर्बाद हो जाती। तो अभी इस कड़कती धूप में हम जा रहे हैं खेत और आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी लोगों को भी दिखाएंगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो चलते हैं नीचे, बहन जी हमारी सो रही हैं, उनको उठाते हैं और चलते हैं खेत। फटाफट नीचे आए, सीढ़ी वाले दरवाजे में लॉक लगाया, नीचे वाले में लॉक लगाया और हमने लिया हुआ है एक बोतल पानी क्योंकि प्यास भी लग जाती है। लेकिन आज ठंडा मौसम है, देखो प्यास लगती है कि नहीं लगती है। और हम दोनों बहनें निकल चुके हैं खेत की तरफ। अभी हम लोग पहुँच आए हैं खेत और ये जो सामने है रास्ता उसको इतना ज़्यादा ढके हुए हैं क्योंकि इसमें डेली कोई ना कोई एनिमल इंटर किए ही रहता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से ढके हैं। तब भी पता नहीं कहाँ से ये लोग घुस जाते हैं और खेत में एकदम पूरा बवाल मचा देते हैं। इतना स्पेस कम है कि निकले नहीं पा रहे हैं। ये देखो भाई उड़द की खेती, जो जो गाँव से नहीं है वो देख लो। और बारिश हुई थी जिसकी वजह से पैर जो है ना वो मिट्टी में घुसे जा रहे हैं। लो 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 भाई अभी गिरे जा रहे हैं। गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी अपने खेत में और यहाँ पे आने के बाद इतनी धूप लग रही है यार। घर में थे तो हम ही मम्मी से बोले थे कि अभी बारिश निकल गई है, धूप हल्का हल्का निकली है, चलिए तोड़ते हैं नहीं तो बारिश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है फालतू, मतलब अपने पैर पर ही हम कुल्हाड़ी मार लिए हैं। और आ ही गए हैं तो आप सभी लोगों को खेत दिखा देते हैं। ये रही उड़द, जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है उधर वहीं तक उड़द भी लगा हुआ है। और इस वाले में दादा का खेत है, इसमें भी पूरे में उड़द उड़द है। अब दिखाते हैं हम आप सभी को पीछे। तो गाइस देख सकते हैं आप सभी लोग कि इधर सामने से लेकर इधर होते हुए यहाँ तक ये हमारा खेत है और इसमें पूरे में उड़द लगी हुई है और मूंग का 2 पेड़ मिला है। और ये दादा का है, दादा का घर यहाँ तक बना हुआ है, इसके बाद से इनके यहाँ भी लगा हुआ है। और साइड वाले खेत में बैगन था वो सूख गया है और उसके बगल वाले में लगी हुई है सेम। और हमारे चाचा जी भी तोड़ रहे हैं सेम और हमसे कह रहे हैं और तोड़वा लो सेम, सब्जी भरे के ले लो। और इधर देखो हमारी बहन जी और मम्मी तोड़ रही हैं उड़द और हमें बोल रही हैं कि हम उड़द तोड़वाने नहीं वीडियो बनाने आए हैं। और इस वाले खेत में लगी हुई है चरी, तो भाई उड़द की छीमी जो है मैं आप सभी को दिखा देते हैं। ये ऐसे ही उड़द, ये उड़द का पेड़ है
और इसमें ऐसे ही पहले फ्लावर लगते हैं, फिर उसके बाद इसकी छीमी हो जाती है और इसी को एक एक तोड़ते हैं जो पकी है। ये अभी ग्रीन ग्रीन है, ये पकी नहीं है। जब ये येलो हो जाती है तो उसको ही तोड़ते हैं। और बारिश की वजह से ना ख़राब हो जा रही है, लेकिन हल्की बारिश हुई है इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो अभी ढेर सारी अभी पकी भी नहीं है, लगभग एक वीक या 10 दिन लगेंगे इसको सबको साफ़ करने में। बहुत तगड़ी धूप है यार। कोई लोग आ जाओ भाई उड़ते उड़वा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। और अभी बहुत धूप है, लेकिन अब कहीं कहीं से बार बार धूप आती है, कहीं कहीं छांव आ जाता है, तो हमें लग रहा है ना कि बारिश फिर से होगी और बहुत तड़ाके की होगी बारिश। और ये देखो पूरा येलो येलो कलर की पकी हुई उड़द, जो नहीं देखा है आज तक वो देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ भी फर्स्ट टाइम ये उड़द का जो लगा हुआ है पेड़ वो है, तो हमने भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे हमारे खेती हुई है और हमने भी फर्स्ट टाइम उड़द का पेड़ और उसका फ्रूट्स वगैरह सब कुछ देखा है। अभी बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी है और हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर चल रहे हैं घर, काहे कि भीग रहे हैं। और घर पर भी उड़द फैलाया हुआ था तो उसको हटाने गई है बहन जी। जल्दी जल्दी से चलते हैं घर, फिर आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी जैसे ही हम यहाँ पे आए, देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और आपको लग रहा है कि मेरी मूंग और उड़द जो है वो एकदम से डूब ही जाएगी, सब खराब हो जाएगा। तो भगवान जी भी थोड़ा दया नहीं कर रहे हैं कि एक दो दिन चार दिन ना बरसें, लेकिन क्या ही किया जाए, ऊपर वाले की मर्जी है। और सामान हटाने में हम भीग भी गए हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है बारिश की वजह से। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।